नमस्कार दोस्तों, मैं जादूगर सुनील फिर एक नए एपिसोड में आपके सामने हाजिर। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करके बताया, मतलब पूछा, ये मैजिक अगर ट्यूटोरियल दिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो हम भी चाहते हैं कि इसका जो ट्यूटोरियल है ये आपको बता दिया जाए। बात क्या है, अगले एपिसोड में जिसने ये वीडियो नहीं देखा वो ज़रूर आई बटन में या हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, एक बार उसका परफॉर्मेंस देख लेना। उसके बाद ये मैजिक का अभी इसका ट्यूटोरियल मैं दे देता हूँ। ये मैजिक में क्या क्या लगता है, देखिए ये रेड बैक है और ये देखिए पिंक है, ये दोनों अलग अलग है कलर, है ना। ये रेड बैक का एक जैक है, ये ग्रीन बैक का एक जैक है, एक पिंक जैक है और एक सी ग्रीन जैक है। ये चार जैक तो चाहिए ये अलग अलग कलर का। इसके अलावा भी एक कार्ड चाहिए, वो है ये देखिए हमको ऐसा मिला था, हमने ऐसे ही आपको दिखा दिया। ये ब्लू नहीं है, थोड़ा वायलेट जैसा कलर है लेकिन अच्छा लगता है। इसका पीछे और एक कार्ड लगा हुआ है, ये देखिए ये रेड बैक का। रेड बैक का जो कलर लगा हुआ है ये क्या होता है, ये दो तरफ रहेगा ना, ये इस मैजिक के लिए जरूरी है। और देखिए इधर मैंने एक स्टिकर लगाया है। स्टिकर क्या है, ये जो डबल साइड सेलोटेप है इसको थोड़ा सा काट के मैंने यहाँ लगा दिया है। इसको ऐसे ऊपर से उठा देंगे तो यह एक चिपकेगा। ये देखिए ये बोथ साइड गमिंग है, ये चीज आपको जरूरत है। अब ये मैजिक आप कैसे दिखाएंगे आप देख लीजिए, इसका सेटअप कैसा होगा वो भी देख लीजिए। पहले देखिए फर्स्ट कार्ड ये जाएगा, इस तरफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो कार्ड है ये जाएगा, देखिए अभी इस तरफ से देखने से दो रेड कार्ड दिखाई देगा लेकिन इस तरफ से देखने से ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद आप कोई भी कार्ड दे दीजिए, कोई बात नहीं, ये ग्रीन, ये पिंक और ये सी ग्रीन, ये है सेटअप। सेटअप को अगर ऐसे खोलेंगे तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ये देखिए फ्रंट साइड से फेस अप जिस तरफ रहेगा इस तरफ से ऐसे दिखेगा और बैक साइड से ऐसे दिखेगा। ये पांच कार्ड है, दिखाने का तरीका वेरी सिंपल। क्या है, पहले आप स्टार्ट कीजिए ऐसे कि हमारे पास कुछ कार्ड है, आप ऊपर वाला कार्ड को थोड़ा हटा के दिखाइए तो दो रेड दिखेगा लेकिन ये गमिंग वाला है, ये ऊपर में है एकदम टॉप में रहेगा। इसका पीछे और नहीं दिखाइए, इतना तक दिखाइए बस। हमारे पास कुछ कार्ड है बोल के ऐसे रखिए, आप इसको फेस ऑफ कर लीजिए। फेस ऑफ करने के बाद भी एक बार कार्ड सबको दिखा दीजिए, 1 2 3 4, देखिए 4 कह के सबको ऐसे दिखा दीजिए कि मेरे पास चार जैक है लेकिन इसको घुमा के नहीं दिखाना है, ऐसे दिखाना है। फिर क्या करना है, फिर देखिए दो कार्ड ले लेना है, नीचे वाला कार्ड ऊपर वाला कार्ड, ये दोनों के एक साथ लेना है, एक साथ, बीच में से तीन कार्ड अलग आएगा। देखिए इधर दो कार्ड गया, ठीक है। ये दो कार्ड आप कैसे ले सकते हैं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए हमने जैसे किया, नीचे से ये जो पिंकी है ना छोटा अंगली, इससे हमने क्या किया, नीचे वाला कार्ड को ऐसे ऐसे निकाल लिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये थोड़ा इसको बोलते हैं पिंकी ब्रेक, ऐसे कर दिया और ऊपर वाला कार्ड को हमने लेने का कोशिश किया, ये थंब से ऐसे लेने का कोशिश किया, देखिए ऐसे आ जाता है,
ऐसे आ जाता है, लगता है ऊपर से एक ही काट जाता है। देखिए लगेगा कि आपने ऊपर से एक कार्ड हटाया लेकिन इधर दो कार्ड आ गया। ऐसे पहले का कार्ड ले लिया, उसके बाद ये दोनों तरफ दिखा दीजिए, माने बैक साइड, दोनों बैक दिखाई दिया, रेड दिखाई दिया, उसके बाद ऊपर से और एक कार्ड ले लीजिए, फिर आप दोनों को बैक दिखा दीजिए, दोनों बैक दिखा दिया, फिर ऊपर से एक कार्ड, फिर दोनों बैक दिखा दीजिए, फिर इसको भी रख लीजिए। तो क्या हुआ अभी, अभी सेटअप ऐसा आ गया है ना। ऐसे दिखाने का बाद अपने क्या करेंगे, अब इसको फर्स्ट क्लास एक मूव है, अब क्या करेंगे ऊपर वाला कार्ड को थोड़ा सा हटाना, बस ऐसे थोड़ा सा हटाना तो पूरा डेक नीचे रह जाता है, इसको हटा लीजिए। फिर क्या करेंगे, इसको आप बैक कर दीजिए और इसको भी बैक कर दीजिए। इसको जब बैक करना है, करने का बाद देखिए इधर चार कार्ड है, इसको आपको क्या करना है, ऊपर से तीन कार्ड को थोड़ा सा घिसकाना, नीचे से एक कार्ड आ जाएगा। जब ऐसे आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, इस कार्ड को नीचे दे दीजिए, नीचे दे दिया, ऊपर से ये ले लीजिए, फिर क्या करें इसको इस तरफ दे दीजिए, फिर इसको इस तरफ दे दीजिए। अब दिखेगा कि बीच वाला एक कार्ड का कलर चेंज हो गया। इसको आप ऐसे दिखाइए, दिखा के आप इसको टेबल पर रख दीजिए। उसके बाद इधर देखिए ये जो गम है इसको आप क्या कीजिए, फेस ऑफ कर दीजिए, ये फेस डाउन है, इसको फेस ऑफ करके ऐसे रखिए। इसको जब आप ऐसे बंद करेंगे ना, इधर इसको चिपकाना है, कैसे चिपकाएंगे, पहले ऐसे दिखाए, फिर एक बार ऐसे दिखाए, फिर इसको ऐसे लेके यहाँ दबा के नीचे इस अंगली से, नीचे इस अंगली से दबा के ऊपर से खींचने से कलर चेंज दिखाई देगा। जब कलर चेंज दिखाई देगा, ये कार्ड ये इस अंगली से और ये थंब से दोनों को ऐसे ऊपर कीजिए, दोनों को एक साथ, दोनों को एक साथ, दोनों को एक साथ करने से क्या होता है देखिए, ये आउट जॉब हो जाएगा। पीछे तो ये पिंक कलर है, वो दिखाई नहीं देना चाहिए, इसीलिए इस कार्ड को ऊपर और इसको भी ऊपर एक साथ, तो अभी ऐसा हो गया। तो अब ऐसे करने से क्या होता है, ये थोड़ा सा आउट जॉब हो गया, इसको अब ऐसे निकालिए, निकाल के देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया। अब इसको को इसको ऐसे दिखाइए, दिखा के इसको भी ऐसे रख दीजिए। दो कार्ड ऐसे हो गया, उसके बाद इसको आप बोलिए देखिए अभी दो कार्ड इसमें है, ये देखिए फेस टू फेस है, इसको भी अगर ऐसे करके ऐसे करेंगे तो इसको भी कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये जो कार्ड है, ये जो कार्ड अभी चिपक के दो एक हो गया, लेकिन ऐसा था देख लीजिए, एक्चुअली ऐसा था, ये तो चिपक गया, चिपक जाने के बाद अब ऐसे घुमाया, घुमाने के बाद ऐसे दिखाया, तो इसको कलर जब चेंज हो जाता है तो एक फायदा होता है। फायदा क्या, देखिए इधर दो कार्ड चला जाता है एक साथ, इसको भी दिखा दीजिए, दिखा के इसको भी रख दीजिए, और इसको फाइनली ये सिंगल कार्ड रह जाता है। फाइनली इसको दिखा दी, इसका भी कलर चेंज हो गया, ये पिंक कलर हो गया। अभी ऐसे रख के अब दो दो कार्ड ऐसे दिखा सकता है कि आपके पास फोर कार्ड, मतलब चार ही कार्ड है, दूसरा कुछ भी नहीं है, एकदम क्लियर कट दिखा सकता है। इतना बढ़िया मैजिक है, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके दिखाएंगे तो हमें लगता है ये मैजिक आपका, दोस्तों का, आपका ऑडियंस का बहुत अच्छा लगेगा। आज तो मैंने इसका ट्यूटोरियल दे दिया, जितने दोस्तों ने ट्यूटोरियल मंगा था मैंने दे दिया। ये मैजिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट आप करते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। अगर ये ट्यूटोरियल लगा अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मैजिक देखते रहिए,
दिखाते रहिए। टाटा बाय।